पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेन में गांजे की तस्करी करने वाले अज्ञात आरोपियों की बैग से 11 किलो 9.40 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार GRPF को गुप्त सूचना मिली कि नागपुर रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेन क्रमांक 02805 विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली एक्सप्रेस में कुछ लोग अवैध तरीके से गांजा लेकर जा रहे हैं। रेलवे पुलिस के पुलिस अधीक्षक एमराज कुमार ने अपराध शाखा रेलवे पुलिस को इस संबंध में आदेश दिए। अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक विकास कान पिल्लेवार और PSI प्रवीण भीमटे, पुलिस कर्मी सावजी धोटे खोबरागड़े गजबे राउत और मसराम, इन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन पर गश्त बढ़ा दी। कल दोपहर में गाड़ी क्रमांक 02805 विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचते ही GRPF ने ट्रेन के कोच में घुसकर तलाशी ली। यात्री को कोच क्रमांक B5 और B6 के कपली में एक लावारिस बैग मिला। इस बैग के बारे में यात्रियों से पूछा गया, लेकिन किसी ने भी उस पर माली की हक नहीं जताया। उसके बाद बैग को प्लेटफॉर्म पर उतार कर उसकी जाँच की तो उसमें 11 किलो 940 ग्राम जिसकी कीमत 1,19,400 रुपए बताई गई। पुलिस ने बैग को जब्त कर लिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर खोज भी शुरू कर दी। विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली एक्सप्रेस जे जाते त्याच्यामध्ये काल आमच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला खबर मिळाली होती की गांजा असण्याची शक्यता आहे, तर त्यांनी गस्त दरम्यान एका टॉयलेटच्या शेजारी कपलिंगमध्ये एक त्यांना मेहंदी कलरची बॅग आढळून आली, संशयित बॅग। तर त्यांनी ती बॅग उतरवून जेव्हा त्याच्यात पाहणी केली तर त्याला नशीला पदार्थ असल्याची थोडी जाणीव झाली होती। त्यानंतर त्यांनी तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्यासमोर पंचनामा केला, तर त्याच्यामध्ये 19 किलो 994 ग्रॅमचा वजनाचा 1,19,000 रुपये किमतीचा गांजा मिळून आलेला आहे। त्याच्यामुळे अनुसार पंचनाम्यानंतर आमच्याकडे नागपूर रेल्वे पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास आमचे PSI तायवाडे साहेब करत आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।